अब देखो, मैंने कई बार ये तुम्हें बताया है कि टेकनेट में काजुए की डेथ होगी, वो मर जाएगा। बट कई फैंस ये सोचकर सैड हो जाते हैं कि अगर टेकनेट में काजुए की डेथ हो जाएगी तो मैं टेकनेट परचेज नहीं करूंगा, टेकनेट नहीं खेलूंगा, सीरीज को क्विट कर दूंगा, क्योंकि वो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, वो डेड नहीं हो सकता। सो ऐसे ही करके काफी सारे रीजंस है फैंस के मन में जो वो काजुए की डेथ के बारे में सोचते हैं। बट ये भी मैंने कई बार बताया था कि अगर टेकनेट में काजुए की डेथ होगी तो वो हियाची के जैसे परमानेंटली मरेगा नहीं, सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए ही काजुए की डेथ होगी। सो इस टॉपिक को ठीक से एक्सप्लेन करने के लिए ही मैंने ये फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाई है, जिसमें तुम्हें पूरी तरह से पता चल जाएगा कि काजुए की डेथ टेकनेट में कैसे होगी और वो सरवाइव कैसे करेगा। सो काजुए फैंस, वीडियो तुम्हें काफी पसंद आने वाली है, इसलिए वीडियो को अभी से सब लोग लाइक कर दो। और काफी लोग वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो तुम लोग भी सब्सक्राइब कर दो। एंड इसी के साथ लेट्स बिगिन। तो ये सब शुरू होने वाला है टेकनेट की एंडिंग बैटल से, जिसका थोड़ा सा पार्ट हम ट्रेलर में देख चुके हैं। जिन और काजुए अपने फुल पोटेंशियल में फाइट कर रहे हैं, बट जब दोनों डेविल फॉर्म में फाइट करने वाले थे तभी ट्रेलर खत्म हो जाता है। और इसके बाद की थ्योरीज और प्रेडिक्शन मैं कई बार बता चुका हूं तुम्हें कि दोनों हाफ डेविल में फिर ट्रू डेविल फॉर्म में फाइट करेंगे, जिसमें जिन काजुए को डिफीट करके मे बी यहाँ इस क्लिप से फेंक दे, क्योंकि कुछ भी हो जाए ये क्लिप से फेंकने वाली परंपरा टूटेगी नहीं। इसलिए टेकनेट में ज्यादा चांसेस इसी के हैं कि जिन काजुए को क्लिप से फेंकेगा और काजुए मर जाएगा। बट यही तो सबसे बड़ी गलती हो जाती है इस क्लिप से फेंकने वाले सीन की ही वजह से। कई बार काजुए और हियाची बच गए हैं, जैसे कि किड काजुया, टेकन 1 में हियाची, टेकन 2 में काजुया, फिर टेकन 7 में हियाची। सो इसलिए ज्यादा चांसेस है कि जिन भी काजुया को ऐसे ही क्लिप से फेंकेगा। बट अगर दूसरे पॉइंट से देखोगे तो इसके चांसेस थोड़े कम हो सकते हैं, क्योंकि हियाची और काजुया एक दूसरे को क्लिप से इसलिए फेंकते थे क्योंकि इसकी शुरुआत हियाची ने की थी। उसने 5 साल के काजुया को क्लिप से फेंक दिया था, जिसके बाद टेकन 1 में काजुया ने भी रिवेंज लेने के लिए सेम वैसे ही हियाची को क्लिप से फेंका जैसे कि हियाची ने उसे फेंका था। इसलिए फिर इसके बाद ये कंटिन्यू होता रहा। बट जिन और काजुया में ऐसे क्लिप से फेंकने वाला सीन कभी नहीं हुआ है, इवन उनमें तो लाइफ में एक बारी फाइट हुई थी टेकन 4 में। इसलिए इसे ये भी हो सकता है कि जिन काजुया को क्लिप से ना फेंके। तुम्हें क्या लगता है मुझे बताना कमेंट्स में। सो टेकनेट में जिन काजुया को डिफीट करने के बाद मान लेते हैं कि उसने काजुया को क्लिप से फेंक दिया, फिर इसके बाद क्या होगा? तो इसके बाद वही होगा जो टेकन के हर गेम्स में होता है, काजुया के साथ होता आ रहा है। वो मरेगा नहीं, डिफीट हो चुका है, क्लिप से फेंका जा चुका है, उसकी बॉडी पानी में बह रही है और वो किसी किनारे पे जाके बच जाता है या उसे कोई बचा लेता है, ऐसा ही कुछ दिखाया जा सकता है। बट टेकन 8 में नहीं, टेकन 9 या 10 में, क्योंकि टेकन 8 में तो यही दिखाएंगे कि काजुया की परमानेंट डेथ हो चुकी है, वो फाइनली मर चुका है, इवननेस वर्ल्ड से खत्म हो चुका है। बट फिर इसके बाद टेकन 9 या 10 में हमें पता चले कि काजुया मरा नहीं है, वो अभी भी जिंदा है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि टेकनेट में काजुए की डेथ परमानेंटली नहीं होगी, इसके पीछे कई सारे रीजंस है, जिसमें से सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट रीजन है कि टेकन के क्रिएटर्स काजुया को इतनी जल्दी खोना नहीं चाहते, क्योंकि टेकन 7 में हियाची की अभी डेथ हुई है, जिसके बारे में टेकनेट के गेम डायरेक्टर हारान ने भी कन्फर्म कर दिया है कि हियाची की टेकन 7 में परमानेंट डेथ हो चुकी है, वो वापस नहीं आने वाला। सो टेकन 7 में हमने इतने बड़े और लेजेंडरी कैरेक्टर को खो दिया है जिसकी वजह से ये सब शुरू हुआ था। उसने ही द किंग ऑफ फाइनल फेस टूर्नामेंट की शुरुआत की, उसने ही काजुए को क्लिप से फेंका, उसने ही मिशिमा ज़ाइबासु को इतनी बड़ी और पावरफुल कंपनी बनाई, उसने ही अपनी वाइफ और डेविल काजुमी को मारा, उसने अकुमा से फाइट की, काजुए की डेविल आईडी को एक्सपोज किया, और टेकन 1 से भी पहले अभी तक यानी कि टेकन 7 में उसकी राइवलरी काजुए के साथ ही दिखाई जा रही थी। तो सोचो, इतने बड़े और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को हमने अभी खो दिया है, तो क्या इसके बाद ऐसा होगा कि हम काजुया को भी टेकनेट में खो दे, वो मर जाए? क्रिएटर्स ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे। क्रिएटर्स कम से कम काजुया को टेकन 15 तक तो जरूर अलाइव रखना चाहेंगे, जिससे कई फैंस के मन में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि अगर काजुया टेकनेट में बची जाएगा तो फिर उसे टेकनेट में डेथ ही क्यों दिखाना है, वो वैसे भी उसे अलाइव रख सकते हैं। तो नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है कि ये टेकनेट में काजुया को मरना ही होगा, तभी गेम की स्टोरी बैलेंस हो पाएगी। क्योंकि जैसा कि मैंने कई बार बताया है कि टेकन 7 में हियाची ने काजुया की डेविल आईडी को पूरे वर्ल्ड के सामने रिवील कर दिया था, जिसके बाद ये न्यूज आग के जैसे पूरे वर्ल्ड में फैल गई, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन को पता चल गया, पूरा वर्ल्ड काजुया के साथ जी कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट हो गया, और काजुया भी वर्ल्ड पर राजी करना चाहता था, बट इस तरह से नहीं, वो वर्ल्ड से अपनी डेविल आईडी को छुपा के रखना चाहता था। लेकिन टेकन 7 में डेविल आईडी के बारे में जब सबको पता चल गया तो काजुया के पास कोई और रास्ता नहीं बचा, इसलिए वो टेकनेट में फुल अपनी डेविल्स पावर का यूज
करते हुए तबाही मचा रहा है और पूरे वर्ल्ड पर कंट्रोल करने में लगा है। इसलिए इन सब की वजह से पब्लिक के मन में काजिया या डेविल के प्रति एक इवेलनेस की इमेज बन गई है कि जिसके पास भी डेविल है वो बुराई होगा। भले ही हम जानते हैं कि जिन्हें गुड डेविल है बट इसे डेविल की इमेज नहीं बदलने वाली। इसलिए जब तक काजिया जिंदा रहेगा लोग डर में जिएंगे, डेविल से डरेंगे। इसलिए टेकनेट में काजिया का मरना बहुत जरूरी है ताकि काजिया के मरने के बाद पब्लिक को ऐसा लगे कि अब वो सेफ है, वर्ल्ड सेफ है, डेविल से फ्री हो चुके हैं। बट जैसा कि मैंने कहा बस वो दिखाने के लिए ही डेड होगा जिससे पब्लिक के मन में डेविल का डर नहीं रहेगा और काजिया कहीं छुपकर अपनी ट्रेनिंग या हियाची की जैसे कोई मास्टर प्लानिंग कर सकता है जिससे उसकी डेविल आईडी भी फिर से छुप जाएगी। और फिर इसके बाद क्या टेकनेट या 9 में वो रिटर्न करेगा जो कि शायद जिन और काजिया एक बार टीम अप भी करे। सो या गाइस आई थिंक तुम्हें पूरी तरह से ये बात क्लियर हो गई होगी कि टेकनेट में काजिया के साथ क्या होने वाला है। बाकी तुम्हारे क्या ओपिनियंस है काजिया के सर्वाइवल या डेथ को लेकर मुझे बताना कमेंट्स में। और जाने से पहले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। और मिलूंगा मैं तुम्हें अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।